हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये एजुकेशन स्तर ऐसी चीज होती है, इसको अपन पैसे से नहीं आंक सकते हैं, अपन पैसे से एजुकेशन को नहीं तोल सकते हैं। किसी भी मायने में बच्चे की एजुकेशन पैसे के साथ नहीं तोल सकते हैं। अपन इस बात को मानते हैं कि पूंजीपति परिवारों के बच्चे बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं। अपने देश में 80% ऐसे परिवार है जिनके बच्चे गरीब होते हैं। गरीब बच्चे अगर पैसों के साथ जोड़ा जाए तो 80% बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। आठवीं बोर्ड तक जो सरकार ने निर्णय लिया है कि बच्चों को फेल मत करो, अपन भी मानते हैं स्कूल में बच्चा जो पढ़ता है फेल नहीं होता है। अगर ऐसा सिस्टम नहीं है कि फेल नहीं होगा तो बच्चे के मन से भय दूर हो जाएगा। भय रहेगा ही नहीं उसमें, भय नहीं रहेगा तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। जब तक बच्चा इस जो ये आरटीए का जो नियम आया 2008 का, इसके स्तर पर अगर बच्चा रहेगा, आठवीं में अपन उसको फेल नहीं करेंगे तो ऐसे ही स्तर में उसकी एजुकेशन स्तर पे, जैसे नेता लोगों ने बड़ा चढ़ा करके ये कह दिया कि साहब इसमें एजुकेशन स्तर पे सुधार होगा, गुणवत्ता आएगी शिक्षा के अंदर, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसमें स्तर डाउन हुआ है, एजुकेशन स्तर गिरा है, इसमें बच्चे फेल होते हैं। तो इसमें अपने को ज्यादा फायदा मिलता है, बच्चे का एजुकेशन स्तर बढ़ता है फेल होने से, ना कि ऐसा बेरोजगारी बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को अपने अगर वास्तविकता से निखारते हैं तो इसमें अपने को ये फायदा मिलता है कि बच्चा अपनी मंजिल वहीं तय कर लेता है 8th क्लास के अंदर फेल होती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बच्चा फेल होना चाहिए इस क्लास के अंदर। ये जो नियम आया 2008 का, उसके अंदर टीचर को बंधन मुक्त माना गया है। टीचर के हाथ बांध दिए गए हैं, मुंह से बोल नहीं सकता है, बच्चे को कुछ नहीं कह सकता है। जब तक बच्चे को कुछ कहेगा नहीं, डांटेगा नहीं, फटकारेगा नहीं, जब तक बच्चा अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाएगा। एजुकेशन तो टीचर के माध्यम से ही बच्चे को मिल पाती है। जब तक टीचर उसको अपने परिपूर्ण मन से, तन से, धन से अच्छी तरह बच्चे को निखारेगा नहीं, जब तक बच्चा सक्सेस नहीं होगा। विद्यालय एक ऐसी चीज है जिसमें बच्चों को परखा जाता है, निखारा जाता है और सर्वांगीण विकास के लिए आगे बढ़ाया जाता है। देखो मैं YouTube पे भी ये चीजें देख रहा हूँ, अनमोल भैया जो फिल्म आई है उसके ऊपर एजुकेशन स्तर पे बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया जा रहा है। इससे प्रभाव बच्चों के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। इसमें जो बच्चा इस फिल्म को देखेगा वो एक तरह इसकी तरफ आकर्षित होगा, टीचरों के और बच्चों के बीच में संबंध अच्छे होंगे। जब तक बच्चे और टीचर के बीच में संबंध अच्छे नहीं होंगे, जब तक ये मामला आगे तक सही तरह से नहीं बढ़ पाएगा। बच्चा टीचर को समझेगा, टीचर बच्चे को समझेगा, जब भी आगे बढ़ पाएगा। इसी के आधार पर मैं अनमोल भैया जो फिल्म है, इसमें सभी हमारे निजी परिवार जो स्कूल शिक्षा परिवार है उसमें भी यही चल रहा है कि ऐसी अगर कोई फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर अच्छे तरीके से बनाई जाती है, आगे अगर एजुकेशन स्तर पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार होता है तो उस पर हम सभी लोग सहयोग करेंगे। आगे से हम सरकार से भी जितनी होगी हम उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे, सरकार से लड़ाई करेंगे इस मामले में कि ऐसी फिल्म के लिए अगर टैक्स मुक्त हो, ऐसा कोई कार्यक्रम हो, पैसे से संबंधित हो तो हम पूरी हेल्प करेंगे। डमी क्लासेज वैसे तो देखा जाए तो एक तरह से ये बहुत ही अगुणतापूर्ण कार्य है, इसमें गुणवत्ता नहीं रहती है। हम मानते हैं बच्चा कोचिंग के लिए जाता है लेकिन वो स्कूल में जैसे 11 क्लास के अंदर उसने एडमिशन ले लिया और फाउंडेशन कोर्स की तैयारी करने के लिए कोचिंग क्लासों के अंदर चला जाता है, इससे शिक्षा स्तर डाउन होता है। बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, स्कूल के अंदर पढ़ते पढ़ते बच्चे का मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और सर्वांगीण विकास होता है, वो विद्यालय में ही हो सकता है, बाकी कहीं भी नहीं हो सकता। बच्चे को अपन पैसे लगा करके डॉक्टर तो बना सकते हैं लेकिन उसका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं कर सकते हैं। देखो सर, मैं इसके ऊपर ये कहना चाहता हूं कि नेता लोग झूठे आश्वासन देते हैं,
झूठों पे ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन हम एक एजुकेशन स्तर पे जुड़े हुए हैं, हम इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, झूठे आश्वासनों पे विश्वास नहीं करते हैं। अनमोल जी की जो ये फिल्म बन रही है, इसके ऊपर हम बहुत ही विद्यालय परिवार, जितने भी हमारे राजस्थान की विद्यालय हैं, स्कूल शिक्षा परिवार और हमारे जो निजी विद्यालय, उन परिवारों की तरफ से हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनको कहना चाहेंगे कि ऐसी फिल्म अगर बनती है, इससे संबंधित एजुकेशन स्तर की अगर कोई और भी अच्छी क्वालिटी देने के लिए बच्चों को इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, या मानसिक विकास करने का या बौद्धिक विकास करने का बच्चों के भविष्य के लिए अगर ऐसी कोई फिल्म आती है, तो हम उसमें तहे दिल से अनमोल भैया फिल्म का स्वागत करेंगे और तैयार रहेंगे। ये जो फिल्म अनमोल भैया रिलीज हो रही है 31 अगस्त को, इसी फिल्म को मैं और मेरे विद्यालय के समस्त बालक बालिकाएं और विद्यालय परिवार के सभी अध्यापक गण और मेरे जितने भी पेरेंट्स हैं स्कूल के, उनको भी मैं अवगत कराऊंगा इस चीज़ से कि ये फिल्म 31 अगस्त को रिलीज हो रही है, इसको सभी लोग देखने जाएंगे और विद्यार्थियों की हितार्थ कार्य के लिए मैं सभी स्कूल के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स एंड अध्यापक गणों, बाकी जो हमारे आसपास के, उनको भी मोटिवेशन दूंगा और बोलूंगा कि ये 31 अगस्त को रिलीज हो रही है, थिएटर में देखने के लिए हम सबको अपने साथ चलना है।